ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਬਾੜੀਏ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੇਟਾ। ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਥਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਬੇਟਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन की आवाज़। तो जी नाज़रीन, आज मैं कैसी अम्मा जी के पास मौजूद हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनके जो शोहर थे वो कबाड़िए का काम करते थे, अच्छा खासा कारोबार था इनका। जब कारोबार चल रहा था, ये अच्छे हालात थे, इनके एक घर अपना था। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब कोरोना आया तो सारा काम बंद हो गया। उसके बाद इन लोगों को अपना घर भी बेचना पड़ गया किसी मजबूरी की वजह से, तो घर भी बिक गया। अब किराए के मकान में रह रही हैं। उसकी टेंशन की वजह से शोहर को हार्ट अटैक आया और शोहर की डेथ हो गई। सोचें आप कि एक टाइम था कि इतना सब कुछ था और जब कोरोना आया तो इतने बुरे हालात हो गए, शोहर की डेथ हो गई, घर बिक गया। शोहर के इलाज के लिए इन्होंने घर बेचा लेकिन शोहर की डेथ हो गई। तो अब इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे गुजारा कर रही हैं। इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। बाकी हम स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, आपकी जो सारी स्टोरी है, जो आप जो आपके बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, इनकी तरफ देख के एक दफ़ा तफसील से बता देना। जी बेटा, मेरा मियाँ जिहड़ा ना अच्छा खासा कारोबार करदा सी कबाड़िए दा। जदों करोना आया मकान मेरा अपना सी, हर शहर दी तबाही लै गई। बच्चे ने मैं हुण लोकां दा कम करनी है, एक घर दा करके आनी है। मैं बीमार हाँ, मैथों नहीं हुंदा। बड़ी औखी हो के मैं, दिल दा मसला है, तो मैं जाके घर दा कम करके आनी हाँ, थोड़ा बहुत असीं गुजारा करने हाँ बड़ी परेशानी नाल। तो रेंट ते मकान है, अपना किराया मसा किराया देने हैं, कार दा खर्चा हालात। अच्छा, शोहर की डेथ हो गई थी। हाँ जी, डेथ हो गई सी। किस वजह से? परेशानी, कारोबार दी वजह तो नुकसान बड़ा, कारोबार दी वजह तो नुकसान हो गया। तो फिर उन्होंने टैक लिया, दिल का मसला, यकदम परेशानी ली टैक। मतलब घर भी बिक गया? हाँ जी, घर भी बिक गया, इन्ना नुकसान। फिर लोगों के जिन्हों के पैसे देने सन उन्होंने फिर घर मकान अपना वेच के दिता। फिर मियर मियाँ ने यकदम टेंशन ली, तो अटैक आ गया। अच्छा, अब आप मुझे बताती चलें कि अब गुजारा कैसे हो रहा है आपका? बड़ा परेशानी नाल गुजारा होता, बड़ा औखा होता है। किराया देने हैं, खान तो बह जाइए, गर्मसान आ रहा है। बड़ी परेशानी है कि रोज़े किस तरह रखा दे, बच्चे ने बच्चे एक टाइम खाते ने एक टाइम भुखे बहते ने, तो बड़ी फाके काटते। हाँ जी, बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी। तो जब आप ये सब कुछ देखती हैं कि एक टाइम था इतना अच्छा कारोबार था, शोहर साथ थे, और अब एक ऐसा वक्त आ गया कि आप को इस तरह मीडिया के सामने आके लोगों से मांगना पड़ रहा है, मदद मांगनी पड़ रही है, तो क्या दिल पे गुजरती है आपके, क्या आता है आपके दिमाग में? बहुत परेशानी बेटा। ऐसा टाइम सी कि जिस टाइम असी अल्लाह दा शुक्र सी इन्ना सोहना खाते सा, हुण सानू लोकां दे मथाजां ते बड़ी परेशानी, बड़ा रोना आता। तो मैं किसी वक्त रो रो के अपनी नज़र कम कर ली बेटा, इन्नी परेशानी है। मेरा मियाँ जिहड़ा है ना, हर चीज़ की किसी चीज़ की भी सानू कमी नहीं सी, जिहड़ी इस वक्त सानू एक रुपये रुपये तो असी मथाज हाँ, तो लोगों को मंगना मैनू बड़ी परेशानी, बड़ी शर्म आती है। अच्छा, अब आप मुझे बताती चलें कि रमज़ान आने वाले आगे, इंशाल्लाह आपने रोज़े भी रखने हैं, बच्चों को भी रोज़े रखवाएंगी, तो जो बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, इनके सामने क्या अपील करना चाहेंगी कि ये किस हद तक आपकी मदद करें? बेटा, मेरी अपील है कि मेरे बहन भाई जो देख रहे हैं मेरी मदद करन। मैं छे रोज़े रख लवा, दुआ करा दी, नमाज पढ़नी है पांच वक्त, उन्होंने हक च मैं दुआ करा दी, रोज़े रखा दे, बच्चे भी रोज़े रखन दे, उन्होंने हक च दुआ करा दे। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करा दी कि मेरे बच्चे सोने रोज़े रखन। तो नाज़रीन, अब आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर देंगे जब आप लोग इनकी मदद करेंगे रोज़ों के लिए, और ये आपकी भेजी हुई मदद से उसे सहरी करेंगी, उसे अफ्तारी करेंगी।
तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अल्लाह आपको कितना अजर देंगे इसका। दुनिया में भी आपके काम आसान होंगे और आखिरत में भी आपके काम आसान होंगे, तो आपने अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। नीचे आपको इनका नंबर शो हो रहा होगा, और इसी के साथ अगर आपके पास कोई टैलेंट है या कोई मोटिवेशन स्टोरी है, या आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, या अगर आप हमारी NGO में मुस्तहिक हकदार लोगों के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, तो नीचे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, इस पर भी आप रابطہ कर सकते हैं। और आप अब मुझे बताती चलें कि जाते जाते हम आपको क्या कहना चाहेंगी। मेरी अपील है कि मेरे बेटे मेरे भाई मेरी मदद करन, वो ज़्यादा तो ज़्यादा मदद करन, मैं उन्होंने हक च दुआ करा दी, उन्हों का शुक्र अदा करा दी, मैनू रोटी खाने की मिल जाए दी, तो मैं उन्होंने ना शुक्र अदा करा दी उन्होंने। तो नाज़रीन अब आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, नीचे आपको इनका नंबर शो हो रहा होगा। और इसी के साथ मुझे और अम्मा जी को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इनकी मदद होगी। आप सब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।